हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रैबर खान और आज फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है आरके टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे 81 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने के लिए। और इतने सब्सक्राइबर्स जो आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करते हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी जो है पूरे हो जाएं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक जो नए हैं, जो वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिए होंगे थंबनेल में कि मैं बताने वाला हूं कि आपको zg.com जो वेबसाइट है उसमें वॉलपेपर अपलोड कैसे करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे क्योंकि मैंने अपनी जो फ़ोटोज़ थोड़ी सी जो वॉलपेपर मैंने बनाए थे वो मैंने zg में डाले थे, तो वो कैसे डालते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं वही वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी डेस्कटॉप वर्जन में zg.com ओपन करना होगा। आप कोई भी ब्राउज़र चूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी आप डेस्कटॉप वर्ज़न यूज़ करते हैं जिसके लिए, तो आप ये डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह से। तो इसके लिए डेस्कटॉप कंपलसरी है क्योंकि ये बीटा वर्ज़न है, समझ के चलिए zg का। तो ये आपको डेस्कटॉप में ही ओपन होगा, ये एप्लीकेशन में ओपन नहीं होगा और एप्लीकेशन वाली वेबसाइट में भी ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप में जाइए और यहाँ zg सर्च कर लीजिए और ये फर्स्ट जो zg.net इसे ओपन कर लीजिए। अगर आप डेस्कटॉप में नहीं हैं तो यहाँ से जाइए 3 डॉट में और यहाँ रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर दीजिए। इससे आप डेस्कटॉप वर्जन में चले जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली जूम करिए और देखिए यहाँ एक कॉन्टेंट का ऑप्शन है और यहाँ दिख रहे हैं आपको वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स एंड अपलोड्स। तो आप जब आप इसमें कुछ साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आप इसमें कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। आप वॉलपेपर, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन टोन्स वगैरह सब चीज़ जो भी इसमें होती है सभी अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप जाइए अपलोड में। अपलोड में जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक है लॉगिन और एक है साइनअप। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है zg बीटा इज़ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर अपलोडिंग कंटेंट। तो ये जो है बीटा वर्ज़न है और ये आपको जो है ये दे रहा है कि प्रीमियम आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है अभी तो ये पेड नहीं हुआ है कि आपको वॉलपेपर्स के बजाय कुछ पैसे या फिर कुछ दे, लेकिन ये अभी बीटा टेस्टर है समझ जाइए। और ये आगे चल के आपको इसके पैसे भी मिल सकते हैं, अगर इसके अपडेट्स में कुछ आया तो आपको इसके पैसे भी मिल सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली साइन अप करिए क्योंकि आपका न्यू अकाउंट बनाना है आपको इसमें। तो आप कोई भी एक ईमेल जो है, जो भी आपकी ईमेल्स हैं वो आप लॉगिन कर लीजिए। मैं इसमें डाल देता हूँ, स्किप कर देता हूँ इसे। तो मैंने डिटेल्स फिल कर दी हैं मेरी, अब यहाँ से मैं इसे सिंपली नेक्स्ट करूँगा आई एग्री में क्लिक करके। और फिर इसके बाद आपको कुछ स्टेप्स पूरे करने होंगे, जैसे कि यहाँ दे रहा है व्हाट शुड वी कॉल यू, चूज़ अ नंबर ऑफ योर प्रोफाइल, रिलैक्स, यू कैन चेंज इट एनी टाइम। आप कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं आप यूज़र नेम को, तो आप कुछ भी ले लीजिए यूज़र नेम। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ कुछ अच्छा सा एक आध यूज़र नेम, तो मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ हो रहा नहीं है ये, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, सिर्फ फुल जूम आप। अब देखिए ये जो है आ गया है, हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो आप जो है लॉगिन हो गए हैं, अब यहाँ आ गया आपको वेलकम टू zg अपलोड्स। तो सिंपली आपको यहाँ कुछ देगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके। तो मैं इसे सिंपली गेट स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ आपका ये जो इंटरफेस है ये ओपन हो गया है। अब इसमें वॉलपेपर कैसे अपलोड करते हैं, कुछ भी चीज़ आप जो भी रिंगटोन वगैरह अपलोड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली देखिए अपलोड मोर
ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपको स्टेटस दिखाता है पूरा डैशबोर्ड टाइप कि आप कितने अपलोड करे हैं और कितने डाउनलोड्स हुए हैं। तो मैं अभी दूसरे अकाउंट में आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने डाउनलोड हुए हैं मैंने जो वॉलपेपर अपलोड किए थे। तो सिंपली अभी मैं ये बताने वाला हूं कि अपलोड कैसे करते हैं। तो सिंपली जाइए अपलोड में, यहां जाइए आप सिंपली इसमें क्लाउड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहां से जो भी परमिशन आ रही है इसे सबको अलाउ कर दीजिए। फिर सिंपली यहां आप फिर से क्लिक करके यहां से फाइल्स में जाइए और फाइल्स में आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं एक आध कोई वॉलपेपर होगा मेरे पास जो मैं अपलोड कर सकूं, जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ कुछ भी। देखिए मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट यूज़ किया था, उसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम था तो ये ट्राई अगेन बोल रहा है। तो आप काफ़ी HD फ़ोटो यूज़ करिए इसमें जो काफ़ी ज़्यादा MB की हो। तो मैं फिर से जाता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप में, यहाँ से जाएंगे फाइल्स में, यहाँ से जाएंगे सिंपली इमेजेस में और यहाँ से मैं एक स्नैपशीट की कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ ये कैट की, या काफ़ी हैवी रेजोल्यूशन की है। तो देख सकते हैं आपको ये कुछ इस तरीके का दिखता है और ये है मोबाइल पोर्ट्रेट और ये है टैबलेट का पोर्ट्रेट। तो ये दोनों कैसे दिखेंगे आपका वॉलपेपर इन दोनों चीज़ों में, तो ये दिखा रहा है। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ आप टाइटल दे दीजिए अपने जो भी है वॉलपेपर का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैट EYEI, ऐसी कुछ भी दे सकते हैं आप। फिर यहाँ मेन चीज़ आती है टैग्स। टैग्स डालना आपको बहुत ज़रूरी है। टैग्स आप जो है देखिए यहाँ कुछ सजेशन में टैग्स आए तो मैं इसी में से कुछ चुन लेता हूँ। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं मैनुअली, अगर आपको लग रहा है कि ये टैग्स यहाँ सर्च नहीं हुआ है तो आप भी डाल सकते हैं यहाँ टाइप करके। तो सिंपली इतना डालेंगे। कैटेगरी में देखिए एनिमल है तो मैं इसमें एनिमल डाल दूंगा। सिंपली इसे अपलोड कर दूंगा, जूम आउट करके अपलोड करूंगा क्योंकि ये जूम इन में नहीं चलता पता नहीं क्यों। तो ये देखिए ये जो है कैट आई है अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड्स आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जो यूज़र नेम है, प्रोफाइल है, जो भी है। तो ये अपलोड हो गई है। अब आप इसमें जो भी टैग्स डालें वो आप ZG के किसी चीज़ में भी सर्च करिए, आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ मेरा सेकंड जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरा जो मेन है। तो ये वाला अकाउंट है मेरा और ये देखिए इसमें मैंने 3 वॉलपेपर अपलोड किए थे। जो है ये वाला अभी मैंने फ़िलहाल अपलोड किया था और मेरे देखिए 7 अपलोड्स दिखा रहा है इसमें और यहाँ डाउनलोड 539 लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं। तो देखिए मैं इसमें सिंपली टैप करूँगा तो ये दिखाएगा मेरे को कि कितने डाउनलोड्स हुए हैं। तो ये 40 डाउनलोड हुए हैं ये वॉलपेपर। इसके बाद R15 कुछ डाला था मैंने, 67 डाउनलोड हुए हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुए ये वाला वॉलपेपर, ये 432 टाइम्स डाउनलोड हुआ है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बात है जो आपको आपके खुद के वॉलपेपर डालने मिल रहे हैं, उसके बाद उसके जो है अपलोड्स उसके डाउनलोड्स देखने को मिलते हैं कि कितने लोग हमारी जो है वॉलपेपर को डाउनलोड करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें आइए और किसी को अगर आप देना चाहते हैं वॉलपेपर तो आप इसमें अपलोड करके फुल HD और आप भेज सकते हैं लिंक के ज़रिए। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से आप अपलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम में प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और मेरा यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 लाख के बहुत करीब हैं हम। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।